नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि शरीर में ज़्यादा मसल होने से, ज़्यादा मांसपेशियाँ होने से शरीर की चर्बी खर्च करने में कैसे सहायता होती है। मतलब शरीर में ज़्यादा मसल होने से हमें फैट बर्न करने में कैसे मदद मिलती है। देखो, मसल को मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ आपके शरीर में मसल है, मसल वहाँ पे रह रही है, जहाँ पे वो है वो वहाँ रह रही है, तो वहाँ उसे रहने के लिए, वहाँ उसे जीने के लिए ऊर्जा चाहिए, काफ़ी ऊर्जा चाहिए। वो जो ऊर्जा चाहिए वो हम या तो खाने से मिलेगी, और अगर हम खाने से नहीं देंगे तो वो हमारे शरीर से लेगी। तो सिर्फ मसल जहाँ हमारे शरीर में है ना, उसे वहाँ रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, काफ़ी ऊर्जा चाहिए। तो अगर आपके शरीर में मान लो 20 किलो मसल है और उसे मान लो इतनी ऊर्जा चाहिए वहाँ पे रहने के लिए, और आपने कसरत कर करके मसल बढ़ा ली और 40 किलो मसल हो गई आपके शरीर में, तो अब उसे इतनी ऊर्जा चाहिएगी ना वहाँ रहने के लिए, मतलब उसे काफ़ी ऊर्जा चाहिएगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे शरीर में मसल ज़्यादा हो तो फैट बर्न करने में आसानी होती है। कैसे? क्योंकि मसल ज़्यादा होगी तो हमें हमारी जो हमें रोज़ हमारे शरीर की कैलोरी की ज़रूरत है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, मतलब मसल ज़्यादा होने से हमारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, तो हमारा शरीर जो रोज़ जितनी कैलोरी खर्च कर रहा है वो ज़्यादा होंगी। तो अगर मान लो मैं उसे रोज़ खाने से उतनी दे रहा हूँ जितनी वो खर्च कर रहा है, तब तो मेरा वेट जितना है उतना ही मेंटेन रहेगा मेरा वज़न। ये हमने मेंटेनेंस कैलोरी वाले वीडियोस में बात कर रखी है। लेकिन अगर मैं उसे कम दे रहा हूँ उसे, तो मेरा फैट खर्च होने लग जाएगा। तो लेकिन ये बात तो आप कह सकते हो कि जिसमें 20 किलो मसल थी और जिसमें 40 किलो मसल थी, दोनों के लिए है। लेकिन आप यूँ सोचो ना कि 20 किलो मसल वाला मान लो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000, ठीक है, यही जिसमें 40 किलो मसल है उसकी मेंटेनेंस कैलोरी है 3000 मान लो। तो मैं कह रहा हूँ कि 20 किलो वाले को अगर 500 कैलोरी का घाटा करना है रोज का, तो वो 1500 कैलोरी खाएगा। यही जिस जो 3000 जिसकी मेंटेनेंस कैलोरी है उसको अगर 500 कैलोरी का घाटा करना है तो 2500 कैलोरी खाएगा। उसको ज़्यादा खाने को मिल रहा है ना, मतलब वजन कम कर रहा है, उसके बावजूद भी उसे 2000 कैलोरी वाली मेंटेनेंस वाले आदमी से ज़्यादा खाने को मिल रहा है ना। तो उसको फैट बर्न करना, उसके लिए फैट कम करना आसान होगा ना, क्योंकि वो ज़्यादा खा करके फैट कम कर सकता है। यही मैंने आपसे क्रैश राइडिंग वाले वीडियो में कहा था कि क्रैश राइडिंग करोगे, जिम जाना चालू कर दिया, खाना खाना एकदम कम कर दिया, या खाना खाना एकदम कम नहीं करा पर सही खाना नहीं खाया, उससे मसल लॉस होता है, हमारी मसल शरीर से कम होती है, शरीर से मसल कम होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है, मतलब हम रोज़ जो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वो कम होती है। तो वही जो आप अगर आपकी जितनी मसल है उतने पर अगर आपकी मेंटेनेंस 2000 पे थी और आपने अपनी शरीर की कुछ मसल गंवा दी या आपका मसल लॉस हो गया, तो वही आपकी मेंटेनेंस हो सकता है 1700 पे आ जाए या 1800 पे आ जाए। तो वही जो आप 1500 कैलोरी खा करके 2000 कैलोरी आपकी मेंटेनेंस थी और 1500 कैलोरी खा करके आप 500 कैलोरी का घाटा कर रहे थे, अब वही 500 कैलोरी का घाटा करने के लिए अगर आपकी मेंटेनेंस 1800 पे आ गई तो आपको 1300 कैलोरी खानी पड़ेगी और कम खाना खाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं क्रैश डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मसल हमारे शरीर में होने से हमें ज़्यादा खाने का मौका मिलता है। मतलब हमारे पास में अगर ज़्यादा मसल है, हमारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, हमारा शरीर ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो हम ज़्यादा अंदर ऊर्जा दे भी तो सकते हैं ना, हमें ज़्यादा खाने का मौका मिलता है। और मान लो कि मैं एक बड़ा कैलोरी डिफिसिट बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं बड़ा कैलोरी का घाटा बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ की 1000 कैलोरी कम खाऊँ और मेरे शरीर को जितना मेरे को पोषण देना है वो भी मिल जाए। तो अगर मेरी मेंटेनेंस रोज़ की अगर 2000 कैलोरी पे है और मैं 1000 कैलोरी रोज़ का घाटा करूँगा, तो मैं सिर्फ 1000 कैलोरी रोज़ खा सकता हूँ? 1000 कैलोरी रोज़ खाना किसी भी इंसान के लिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, बहुत कम है।
मतलब कोई बहुत अलग केस हो तो बात अलग है, पर 1000 कैलोरी कम है लड़की लड़के दोनों के लिए। और 1000 कैलोरी खा रहे हो वजन कम करने के लिए, तो उस 1000 कैलोरी में आपके शरीर को जितना पोषण चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी देना साथ ही साथ, वो और मुश्किल है। यहीं आप देखोगे वो 3000 कैलोरी जिसकी मेंटेनेंस थी जिस आदमी की, वो अगर 1000 कैलोरी का घाटा भी कर देता है उसके बावजूद भी वो 2000 कैलोरी रोज खा सकता है। 2000 कैलोरी अपने आप में कम नहीं होती, पहले तो वो कोई खा बहुत कम भी नहीं खा रहा, दूसरा 2000 कैलोरी में आपके शरीर को जितना पोषण चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितने तत्व चाहिए, वो देना बहुत आसान है बजाय कि 1000 कैलोरी में देने के। तो इस तरीके से आप आपके शरीर में ज़्यादा मसल होगी तो वो आपको ज़्यादा फैट कम करने में मदद करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी में मसल ज़्यादा है तो उसका शरीर अपने आप ही चर्बी कम करता जाएगा, अगर वो ज़्यादा खा रहा है तो उसका शरीर चर्बी बढ़ा भी देगा, अगर वो अपनी मेंटेनेंस पे खा रहा है तो उतनी कैलोरी खा रहे जितने में मेंटेन कर सकता है तो उसका शरीर चर्बी उतनी रख देगा, लेकिन वो जब कम खाएगा तो उसका शरीर चर्बी कम करेगा लेकिन वो कम खा के भी ज़्यादा खा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3000 पे जिसकी मेंटेनेंस और 2000 पे जिसकी मेंटेनेंस, वो कम खा के भी ज़्यादा खाना खा सकता है क्योंकि वो 2500 कैलोरी खा करके भी 500 कैलोरी का घाटा रख सकता है 3000 पे मेंटेनेंस वाला, और वही 2000 में मेंटेनेंस वाला सिर्फ 1500 कैलोरी खा सकता है एक दिन की। मसल ज़्यादा होने के शरीर में क्या फायदे हैं, इस पे आने वाली वीडियो में और डिटेल में बात होगी, पर ये समझने के लिए है कि मसल ज़्यादा है तो हम फैट हमारे लिए खर्च करना, चर्बी खर्च करना आसान है, तो शरीर में ज़्यादा मसल होनी चाहिए एक तरीके से, एक हद तक। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, इसमें कोई कमेंट करना तो कमेंट करो, अगर चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करो, अगर मेरे चैनल की नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन चालू कर लो, मैं तुमसे अगले वीडियो में